नमस्कार साथियों, मैं दीपंकर समद्दार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि निधि कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है और उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि निधि कंपनी के रजिस्ट्रेशन में कम से कम 5 लाख रुपए का कैपिटल हम लोग को ऑथोराइज दिखाना पड़ता है। दूसरा चीज, ये एनबीएफसी कैटेगरी का होता है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब इसके डॉक्यूमेंटेशन आप नोट करिए। सबसे पहला चीज कि 7 लोग लगेंगे यहाँ पे, तो 7 लोगों का केवाईसी, 7 लोगों का केवाईसी। केवाईसी में क्या क्या चीजें आनी है? आधार कार्ड आ जाएगा, पैन कार्ड आएगा और इनका फोटोग्राफ आ जाएगा। इतनी चीजें आप अलग करके रख लीजिए। उसके बाद में कम से कम 3 डायरेक्टर लगेंगे। इन 7 लोगों में से कम से कम 3 लोगों को डायरेक्टर बनाना पड़ेगा। मिनिमम 7 को बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम 3 लोगों को डायरेक्टर बनाना पड़ेगा। तो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब डिन नंबर की जरूरत रहेगी। ये डिन नंबर हमारा बनाने के लिए हम लोग को डिजिटल सिग्नेचर बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो एक बार फिर से आ जाता हूँ, 7 लोगों की केवाईसी, 7 लोगों का डिजिटल सिग्नेचर और कम से कम 3 लोगों का डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब डिन नंबर हमको बनाना पड़ेगा। इसके बाद में हम लोगों को नेम सर्च करना पड़ेगा कि नेम, निधि कंपनी का नेम कैसे निकालते हैं, मैं आपको बता दूं। सबसे पहला होता है नाम, उसके बाद होता है निधि या म्यूचुअल बेनिफिट फंड, ऐसा लिख सकते हैं। आइदर निधि लिखना पड़ेगा या म्यूचुअल बेनिफिट फंड लिखना पड़ेगा। और लास्ट में लिमिटेड। तो नेम जैसे दीपंकर है, तो दीपंकर समद्दार निधि लिमिटेड या दीपंकर समद्दार म्यूचुअल बेनिफिट फंड लिमिटेड या दीपंकर समद्दार निधि फंड लिमिटेड, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इतनी नेम की कैटेगरी है कि कहां कहां पे क्या आता है। तो सबसे पहला आप नाम तय कर लीजिए, वो नाम को सर्च करना पड़ेगा। सर्च हम लोग को आरओसी में भी करना पड़ता है, ट्रेडमार्क में भी करना पड़ता है और फ्यूचर में कोई ऑब्जेक्शन ना आए ये भी देखना पड़ता है। तो चौथा हमारा चीज हो गया नेम सर्च करने वाली बात। इतना चीज हम लोग को कर लेना पड़ेगा। ये हमारा डॉक्यूमेंटेशन पार्ट वाली तैयारी है। अगर इतनी चीजें तय नहीं होंगी तो हम लोग कंपनी के प्रोसेस में नहीं पहुंचेंगे। मान लेते हैं कि ये चारों चीजें हमारी रेडी हो गई, नाम भी सर्च हो गया। अब कंपनी फॉर्मेशन के प्रोसेस में जाते हैं। कंपनी फॉर्मेशन के प्रोसेस में हमारे पास जो डिजिटल सिग्नेचर है वो हमने साइड रख लिया अपने पास, डिन हमारे बन चुके हैं और नाम हमारा तय हो चुका है। ये तीनों चीजें तय हो गई अगर, तो अब हम लोग डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के लिए क्या क्या और एडिशनल चीज चाहिए मैं वो बता रहा हूं। सबसे पहले आपको अपना रजिस्टर्ड एड्रेस, जो रजिस्टर्ड एड्रेस जिस जगह पे आपको काम करना है, ऑफिस खोलना है, एग्जैक्टली उसी जगह का रजिस्टर्ड एड्रेस का प्रूफ लगेगा। हो सकता है आपने रेंट पे लिया, हो सकता है कि किसी डायरेक्टर की ओनरशिप है, राइट? तो अगर हमने रेंट पे लिया तो रेंट एग्रीमेंट लगेगी, अगर डायरेक्टर की ओनरशिप है तो ओनरशिप के डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो रेंट एग्रीमेंट के साथ में लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल मस्ट है रजिस्टर्ड एड्रेस के प्रूफ के लिए। तो रजिस्टर्ड एड्रेस के प्रूफ में क्या क्या चीजें लगने वाली है? सबसे पहला आपका रेंट एग्रीमेंट या ओनरशिप प्रूफ, उसके साथ में इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी लगने वाली है। इतनी चीजें हमारा रजिस्टर्ड एड्रेस के प्रूफ के लिए हो गया। अब जो 7 प्रोमोटर्स हैं, 7 लोगों से जो कंपनी चालू होने वाली है, उनका एक एडिशनल डॉक्यूमेंट है। क्या डॉक्यूमेंट है? उनका जो लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट है, वो बैंक स्टेटमेंट की कॉपी लगेगी। ट्रांजेक्शन कुछ भी हो बट वो लेटेस्ट होना चाहिए। इतना डॉक्यूमेंट हमारे पास अगर रेडी हो जाता है तो अब हम फर्दर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमको बनाना पड़ता है और ये सारी केवाईसी को डिजिटल फॉर्मेट में लेना पड़ता है। डिजिटल फॉर्मेट में लेने के बाद अब उसमें कुछ एडिशनल डिक्लेरेशन इंसर्ट करने पड़ते हैं। वो एडिशनल डिक्लेरेशन थोड़ा टेक्निकल है, जो फाइलिंग करेंगे वो आराम से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और कुछ और क्लॉज हैं जो क्लॉज को एप्लीकेबल किया जाता है, हम लोगों को बोलना पड़ता है कि हम क्या क्या चीजें नहीं करेंगे, कौन से नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे। ऐसे काफी सारे डॉक्यूमेंट के डिमांड पॉसिबल है। कुछ रेडीमेड डालने पड़ते हैं, कुछ एडिशनली हम लोगों को एनेक्चर करना पड़ता है। ये सारे चीजों को लगाकर फिर हम लोगों को फाइलिंग करना पड़ता है ऑनलाइन। ऑनलाइन फाइलिंग के बाद में अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो ऑब्जेक्शन को क्लियर करना पड़ता है, और ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे दिया जाता है। नए नियमों के अनुसार सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अगर आपको प्रोवाइड कर दिया गया है तो इसके बाद में आपको कमेंसमेंट सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, जो कि पहले पब्लिक कंपनी को जरूरत पड़ती थी। तो दोस्तों, अगर ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर लिए, हो गया इनकॉर्पोरेशन, अब निधि रूल्स 2014 के हिसाब से आप सारे काम करने
शुरू कर दीजिए। मैं यहाँ पर एक छोटा सा सजेशन देना चाहता हूँ कि दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि सब काम खुद ही कर लूँ, अपन एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। मेरे पास काफी सारे लोगों के फोन आते हैं जिससे मैं उत्साहित भी रहता हूँ, थोड़ा सा डरता भी हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बिजनेस के बारे में कुछ पता नहीं है, कुछ लोगों ने कंपनी ओपन करके रखी हुई है, चलाना नहीं आ रहा है। तो दोस्तों एसोसिएशन करिए, ऐसे व्यक्ति जिनको चलाना आता है उनके साथ समझिए, या तो आप सारी चीजों को समझकर अपने ऊपर जिम्मेदारी लीजिए। और लेकिन मैं आपको बताऊं, लाइफ में 3/10 और 7/10 का कंसेप्ट मैंने सीखा था कहीं से, मैं आपको आज बता रहा हूं। 3/10 मतलब जिस चीज में हमको लगता है कि हम लोग 10 में से 3 पॉइंट तक हैं, मतलब 30% ही हम लोग मैक्सिमम कर पा रहे हैं, उतना प्रोफिशियंट हैं, तो उस काम को नहीं करना चाहिए, किसी और से आउटसोर्स कराते बनता है तो करिए। और जिस काम को हमारा इंटरेस्ट है, जिसमें अपन 7/10 है, उसमें 10/10 जाने की कोशिश कीजिए। आपके समय की कीमत बहुत ज्यादा है। बिजनेस आप करना चाहते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये बिजनेस में अगर लॉस होता है या कुछ प्रॉब्लम होती है तो सिर्फ आपका पैसा नहीं जाता, काफी सारे लोगों का नुकसान आप कर जाते हो। तो आप अपने थोड़े से डिसीजन की कमी के कारण बिजनेस को लॉस मत कीजिएगा। दोस्तों मेरा बहुत दिल जुड़ा हुआ है आप लोगों से कि आप लोगों का बिजनेस आगे बढ़ना चाहिए, मैं आप बता रहा हूं प्रोफेशनली, राइट। तो आप लोग बेहतरीन काम करें, मेरी शुभकामनाएं। मेरा मिशन है कि सारे इंफॉर्मेशन बिल्कुल आप तक पहुंचाऊं। कमेंट बॉक्स में अगर आप कमेंट करते हैं तो जवाब की उम्मीद 100% रखिएगा, मैं आपके हेल्प के लिए हमेशा तैयार हूं। दीपंकर समद्दार आपके साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।